हेलो आज हम सेल चैप्टर के सेकंड वीडियो के बारे में स्टडी करेंगे तो कल हमने पढ़ा था कि सेल होता क्या है और सेल्स कितने साइजेस एंड शेप्स के होते हैं सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया और सेल थ्योरी किया है तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शील्डन शो ऑन एंड वर्क इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो आज हम पढ़ेंगे कि यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं uh, जैसे कि आप देख सकते हैं देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज एन अमीबा ये एक ही सेल है दिस इज अ वन सेल बीच में एक न्यूक्लियस है इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ देखिए ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल अब यहाँ पे भी, भी देख सकते हैं ये एक ही सेल है इसमें एक ही न्यूक्लियस है न्यूक्लियस इसके अंदर एक डॉट है वी विल टॉक अबाउट इट एंड इस तरह का स्ट्रक्चर है तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के सेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सेल वाला इनका साइज बहुत छोटा होता है और इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है इसमें एक ही सेल सारा काम करता है अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज़ सेल नंबर वन सेल नंबर टू सेल नंबर थ्री दिस ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ये बहुत सारे सेल से बना है डेफो हम इसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम ये भी बहुत सारे सेल से बना है इसमें तो हमें सेल्स भी नज़र नहीं आएंगे तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेलुलर हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे हम कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर यानी कि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं हमारे शरीर में भी आंखें देखती हैं आपके हाथ लिखते हैं आपके पैर चलते हैं आपका स्टमक खाना डाइजेस्ट करता है ब्रेन सेल्स सोचते हैं तो हमारे शरीर में देर इज डिविजन ऑफ लेबर यूनी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारा काम करता है देर इज नो डिविजन ऑफ लेबर मल्टी ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है जबकि यूनी में आप बिना माइक्रोस्कोप के इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं यू के नॉट सी देम मल्टी का कॉमन एग्जाम्पल है कैट डॉग आर मशरूम और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं स्पायरो गायरा सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड प्रोकेरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट तो अगर हम इसको आगे बढ़ें लेट्स लुक एट दिस यहाँ देखिए सो देर आर सेल्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटू टू टाइप प्रोकेरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सो प्रो मीन्स फर्स्ट एंड करियोटिक मीन्स न्यूक्लियस तो जो सबसे पहला न्यूक्लियस बना था और द प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब द फर्स्ट न्यूक्लियस दैट वॉज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोकेरियोटिक न्यूक्लियस तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकरोटिक सेल्स कहते हैं इन सेल्स में आप ये देखिए यहाँ पर दिस इज अमन बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकेरटिक सेल्स प्रोकरोटिक सेल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया होता है आप इस बैक्टीरिया में देख सकते हैं इसमें सेंटर uh, में देर इज ओनली डी एन ए प्रजेंट एंड देर इज़ नो न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है ना वॉट इज न्यूक्लियस आप इन सेल्स को अगर देखें तो इन सेल्स के सेंटर में एक डॉट है रेड कलर का दिस रेड कलर डॉट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल हैंडल्स एवरीथिंग उसी तरह से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस विल हैंडल एवरीथिंग तो जिन सेल्स में न्यूक्लियस एबसेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस लेकिन इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड अगर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है दिस न्यूक्लियस इट इज एबसेंट इन प्रोकरिओटिक सेल इसमें और भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया और द प्रोकेरटिक सेल उसके अलावा इनका साइज बहुत छोटा होता है दे हैव ए वेरी वेरी स्मॉल साइज दे फोर दे आर कॉल्ड प्रोकेरिओटिक अगर आप यहाँ देखें तो दीज आर कॉल्ड यू कैरिओटिक सेल्स यू कैरिओटिक सेल्स यू कैरियोटिक सेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस सो दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस यू का मतलब होता है ट्रू इनके पास एक एक एक्चुअल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है दे फो इट इज कॉल्ड अ यू कैरियोटिक सेल तो जैसे कि आप यू कैरिटिक सेल में देख सकते हैं ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैम देफो देर कॉल्ड यू कैरेटिक सो न्यूक्लियस प्रेजेंट है पॉइंट वन सेकेंड इनके पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दीज ऑर्गेनल्स लेटर बट फिलहाल ये प्रेजेंट होते हैं इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज प्लांट सेल एनिमल सेल हमारी बॉडी यूकेरियोटिक है हमारे सारे सेल्स के अंदर एक इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वी हैव न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर आप दोनों में देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है नेकेड डीएनए और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन में और उसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम तो यूकेटिक सेल में DNA is linear. That means it is straight. It is combined with histone protein. इस तरह के छोटे छोटे protein के साथ combined होता है और इन दोनों के structure को हम बोलते हैं chromosome. We call it chromosome. Chromosome. So eukaryotic cell में chromosome present होते हैं prokaryotic cell में chromosome absent होते हैं तो वी वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको एक बैक्टीरिया नजर आएगा यू कैन सी अ बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं सेंटर में ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग्स हैं दिस इज कॉल्ड डी और इस डी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड सो वट इज न्यूक्लियोइड इट इज डी एन ए नेकेड डी एन ए निकेट का मतलब है कि देयर आर नो प्रोटीन एसोसिएटेड विद इट इसके साथ कोई प्रोटीन अटैच नहीं है सो निकेट डी एन ए दिस इज कॉल्ड ये बैक्टीरिया के सेल होते हैं यूजली बैक्टीरिया आर प्रोक्रियोटिक सेल्स अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें दिस इज अ प्लांट सेल ये एक प्लांट सेल है राइट right? और आप प्लांट सेल में देखेंगे सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये येलो कलर का माइटोकॉन्ड्रिया है ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो एक यूकेरियोटिक uh, सेल में बहुत कुछ होता है स्पेशली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है देफो इट इज कॉल्ड अ यूकेरियोटिक सेल ओके सो इफ यू मूव ऑन आज के लिए हम इतना ही करेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन ऑन इट लेटर आप एन की बुक्स को थोड़ा पढ़ लीजिएगा थैंक यू एंड हैव नाइस डे